बीजेपी सांसद ने कांग्रेस प्रत्याशी को नक्सली टाइप का बताया। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कराहल थाने में एफआईआर के लिए दिया आवेदन। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को कराहल आए मुरैना श्योपुर के सांसद शिवमंगा सिंह तोमर एक बयान देकर चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा उनके प्रचार की नहीं बल्कि मीडिया में दिए गए एक विवादित बयान की हो रही है। ये है पूरा मामला। सांसद श्री तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी के नक्सलवाद टाइप के लोगों से संबंध होना बता दिया है और उन्हें सनातन विरोधी गतिविधि में शामिल होने की बात भी कह डाली, जिसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। अब इस विवादित बयान पर सांसद को कांग्रेस ने घेर लिया है, समाज का अपमान कर रहे हैं। जब मुकेश मल्होत्रा बीजेपी में थे तब नक्सली नहीं थे, आज कांग्रेस में है तो नक्सली हो गए हैं। सांसद को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की शिकायत पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी तो वैसे ही नक्सलवादी टाइप के लोगों से संबंध है उनके, और कांग्रेस प्रत्याशी अगर जीत गए तो यहाँ क्या होगा ये सब लोग जानते हैं कि क्या क्या करेंगे जी। ने समझ लिया तभी तो उनको अध्यक्ष पद से हटाया था। बीजेपी ने यही बात तो समझ ली थी कि इनको अध्यक्ष बनाया था कि नहीं, तो जब बात समझ में आ गई कि जी सनातन विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। सर आप किस लिए थाने आए? बहुत ही गंभीर विषय है। कल 29 तारीख को श्योपुर मुरैना के माननीय सांसद शिवमंगल तोमर जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विजयपुर उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जी के संबंध और रिश्ते नक्सलवादियों के साथ है। ये कितना बड़ा अपमान है हमारे कांग्रेस प्रत्याशी और उनके साथ साथ एक एक शहरी आदिवासी का, जबकि हमारे शहरी आदिवासी भाई और बहन बहुत ही शांति से अहिंसा के माध्यम से मिलजुल के रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। कभी भी शहरी आदिवासी के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जो हमारे संविधान या कानून के खिलाफ हो, लेकिन जो बयान शिवमंगल तोमर जी ने दिया है वो यहीं के सांसद हैं, यहीं से जीत के आए हैं अभी 6 महीने पहले, और इतने बड़े पद पे रहकर भी वो ऐसे हल्के शब्द का उपयोग कर रहे हैं मुकेश मल्होत्रा जी के प्रति। कहीं ना कहीं ये सिर्फ हमारे प्रत्याशी का अपमान नहीं है बल्कि जो पूरे शहरी आदिवासी समाज के लोग हैं उनका अपमान किया गया है। हम मांग करेंगे भाजपा सांसद महोदय से तत्काल वो उनका बयान वापस लें, माफ़ी मांगे शहरी आदिवासियों से भी, मुकेश मल्होत्रा जी से भी। और आखिर मुकेश मल्होत्रा जी को तो 2016 में भाजपा ने ही शहरी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था, अब क्योंकि वो प्रत्याशी कांग्रेस से है तो वो नक्सल हो गए। जबकि हमारे श्योपुर ज़िले में, कराल क्षेत्र में, विजयपुर क्षेत्र में कभी भी नक्सलवादी यहाँ रहे नहीं। ये पूरा क्षेत्र एक शांतिप्रिय इलाका है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, विवाद भी नहीं होते हैं। जान करके माननीय भाजपा सांसद यहाँ ख़राब माहौल बना रहे हैं। हम सब भाजपा सांसद जी के बयान की निंदा करते हैं और इसीलिए आज हम थाने पर आए हैं, क्योंकि जिन शब्दों का उपयोग किया गया है भाजपा सांसद के द्वारा ये उचित नहीं है। हमने TI साहब से मुलाकात की है और हमने FIR दर्ज कराने की भी मांग की है इस विषय में। क्या आश्वासन मिला है सर? हमको आश्वासन दिया गया है कि उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास हमारे आवेदन की प्राप्ति भी है और हम यहाँ जो वीडियो जिसमें स्वयं भाजपा सांसद ये बयान दे रहे हैं उसको भी हम बहुत जल्द पेनड्राइव के माध्यम से थाने में उपलब्ध करवा देंगे।